जी क्वेश्चन को रीड कर लें. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट अ स्मॉल कंपनी दैट प्रोड्यूस सीडी. तो ये पहले हम ए पार्ट की तरफ ए पार्ट में आपसे क्या बोला, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो आप देखें एक्स इंटरसेप्ट हम क्या पुट करते हैं, वाई को जीरो. तो आपने देखें वाई को क्या पुट किया, जीरो पुट किया. यह आपके पास एक इक्वेशन आ गई. अब देखें यह आपके पास फिर एक इक्वेशन है. तो अब आप क्या करें, इसको आपके सामने कैलकुलेटर है, आप क्या करें, ऑन का बटन दबाएं, मोड के बाद आप 5 पे प्रेस करें. 5 में प्रेस करने के बाद आपके पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. आपने इसको प्रेस किया, आपके पास ए क्या है, माइनस टू. आपने माइनस टू पुट किया इजिकल टू. आपके पास बी क्या है, एटी. आपने एटी पुट किया इजिकल टू. सी आपके पास क्या है बेटा, माइनस 600. ठीक है, आपने ये क्या, एक्स वन का आंसर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है. 30 ठीक है, और एक्स टू का आंसर कितना आपके पास, 10 आ रहा है. जब आप इसको x इंटरसेप्ट में दो वैल्यू निकलती हैं, देखें x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या लिखोगे, 0. देखो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये आपका एक इंटरसेप्ट निकला. और दूसरा वैल्यू क्या, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0. देखो इंटरसेप्ट इस तरीके से लिखा जाता है, यानी x 10 है तो y की वैल्यू क्या, ये 10 इसके साथ भी है और ये 30 इसके साथ भी है. अब आप ये देखिए कि द x इंटरसेप्ट आर 10, 0 एंड 30, 0. तो ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपका रिस्पांस इसी तरीके से होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट, यानी देखे ना, क्योंकि ये जो 10 है, ये जब आपने वाई जीरो पुट किया तभी तो 10 आया है. ठीक है, और आपने जब जो आपका 30 आ रहा है, जब आपने वाई जीरो पुट किया तभी तो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट में ये बात फिक्स है कि आपको वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी होती है. अब आप ये देखिए कि द एक्स इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो. अब आप सोचे जब आपकी कोई चीज सेल आउट ही नहीं होगी तो फिर आपके पास क्या प्रॉफिट आएगा, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा. क्लियर है बात, ये जरा देख लें आप ए पार्ट को. अच्छा ये लिखा ना, दिस आर दी कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ये ब्रेक इवन आपका ये एक लेक्चर है जो कि मैंने आपको आखिर में पढ़ाना है. तो ये वाली बात आपको तब बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आएगी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है. ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसके जरिए हम ये मालूम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए कि अगर कोई आदमी नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कितने टाइम के बाद या कितने यूनिट सेल आउट करने होंगे कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो, बस उसका बिजनेस स्टेबिलिटी की तरह चलता रहे. तो ब्रेक इवन पॉइंट एक बिजनेस मैथ का एक अहम टॉपिक होता है जो कि कोई नया फर्म इस्तेमाल जो नया फर्म बनाना चाहते हैं तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी नई जगह कंपनी खोलना चाहते हैं तो उस नए कंपनी खोलने पर हमें एक हफ्ते तक जो है टाइम फैक्टर तक कोई नुकसान है या नहीं है. तो ये वो चीज है. ये देखें आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वाई इंटरसेप्ट. तमाम स्टूडेंट को लास्ट वाला लेक्चर याद होना चाहिए कि उसमें उसमें हमने देखा था के y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x की वैल्यू जीरो होती है. तो आपने कहा ठीक है सर, जब x की वैल्यू हम जीरो, ये लेक्चर भी आप मेरे साथ कर चुके हैं, तो y इंटरसेप्ट आपका जहां जहां x है वहां वहां आपने जीरो पुट कर दिया. देखिए ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो गई, जीरो हो गई. ठीक है, ये पूरी टर्म क्या हो गई आपके पास, जीरो.
तो देखें आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा, -600। अब आप खुद इस चीज को एनालाइज करें कि प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। द वाई इंटरसेप्ट इज 0,600, यानी देखें आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करी थी तो वाई का आंसर आपका 600 आया है। वाई इंटरसेप्ट के जरिए आपको ये चीज पता चली कि आपने सही स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हाँ, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सके ना, जिसमें ये स्टेटमेंट बहुत, क्योंकि आप बिजनेस मैथ पढ़ लें तो आपको कल को कोई बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। या अगर आप किसी फर्म में जाकर काम करते हैं तो बोलता है भाई अब मुझे आपने जो रिजल्ट निकाल के बता दिया इसका मतलब क्या है, तो आपको पता है कि वाई इंटरसेप्ट में क्या है, एक जीरो है, आपने कहा ठीक है पुट कर लिया। अगर ये प्रॉफिट 600 प्लस में आता तो आप क्या लिखते, द वाई इंटरसेप्ट कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो 600 प्रॉफिट आया। तो द वाई इंटरसेप्ट इंडिकेट दैट इफ देयर इज समथिंग सीडी, मतलब जो जीरो सीडी भी अगर वो सेल करता है तो उसको 600 का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि जब आपने एक्स को 0 पुट किया तो आपका जो प्रॉफिट आया वो क्या आया, -600। तो अभी क्या बता रहा है, द वाई इंटरसेप्ट इंडिकेट दैट अगर आप एक भी सीडी, अगर आप एक सीडी, ये नेगेटिव प्रॉफिट है। लाइक अगर आप ये देखें, आप जैसे कि अभी आप हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, आपने कहा वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट ने आपको ये बात पता है कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। देखें जहां जहां एक्स है वहां वहां आपने जीरो पुट किया, तो देखिए सर क्लास में फिर से कोई आ गया है, आप जरा बता दे बेटा। देखें ये देखें, द वाई इंटरसेप्ट में आपने क्या करना होता है, एक्स जीरो पुट किया, जब आपने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी ठीक है तो आपके पास क्या बचा, 600 ठीक है ना। अब आप अपनी, अब अपने कैलकुलेटर को ही देख लेना, आप अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। हम एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, हमें इक्वेशन क्या दी गई थी, ये इक्वेशन दी गई थी, आपने क्या करना है मोड में जाएं, वन पे क्लिक करें ताकि आपका जो कैलकुलेटर वो नॉर्मल रूटीन पर आ जाए। अब आप देखें बेटा -2, ये आपके पास क्या, एक्स की वैल्यू आपके है 0, आपने 0 पुट करी और आपने इसका स्क्वायर कर दिया ठीक है, प्लस आपके पास क्या 80, एक्स की जगह पे आपने 0 पुट किया ठीक है, और माइनस का आपके पास क्या 600। अब आप देखें आपने जब एक्स इंटरसेप्ट, देखें जहां जहां एक्स था वहां वहां आपने पुट किया, तो जो पी ऑफ एक्स है वो कितना है, -600 आया। तो इस बात का मकसद क्या है, अब आप खुद सोचें कि बेटा कि इसने जैसे कहा ना कि फाइंड द वाई इंटरसेप्ट, आपने कहा ठीक है वाई इंटरसेप्ट हमें मालूम करना आता है, आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आंसर आया 600। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपने इस तरीके से लिखनी है कि द वाई इंटरसेप्ट इज 600, द वाई इंटरसेप्ट इज 0,600, यानी आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो आंसर आया 600। वाई इंटरसेप्ट बेसिकली इंडिकेट दैट इफ देयर इज नो सीडी आर प्रोड्यूस, यानी कोई सीडी आर नहीं, मतलब कोई सीडी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, द कंपनी हैज अ 600 प्रॉफिट, जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ये -600 का मकसद है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में शिफ्ट हो रहा है। ये दो बातें क्लियर हो गई सर, इसमें वाई बेटा हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन। यहाँ पे हम पैराबोला भी लिख सकते हैं आपको, क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन है तो हम बार बार इसी तरफ ही आपको फोकस कर रहे हैं ठीक है। तो अब आप चलें सी पार्ट की तरफ। देखें सी पार्ट में सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट आपने मालूम करना होता है। तमाम स्टूडेंट को एडवाइस की जाती है बेटा कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू -b/2a, ये मैंने पहले भी आपको अभी कहा था, लिख लीजिएगा। देखिए ये आपके पास वर्टेक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू -b/2a, ये अपनी कॉपी में ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। एक्स इज इक्वल टू -b/2a अपनी कॉपी में इसको आप लिख लें और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। आगे चलें बेटा जी। अब आप ये देखिए, हमने आपको क्लास के एंड में मुझे समझाएंगे ना, चलिए मैं आपको समझा दूंगा बेटा ठीक है। अच्छा देखें -b/2a, अब आप ये देखें आपकी जो इक्वेशन थी उसमें a और b क्या है, देखें आप अपनी कॉपी में सबसे पहले देखें, इसमें a आपके पास क्या है 2, बी आपके पास क्या है 80 और सी आपके पास क्या है 600, -600 अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लें। ए आपके पास क्या है -2, बी आपके पास क्या है 80 और सी आपके पास क्या माइनस का 600, ये आपने ए और बी सी अपनी कॉपी में लिख लें। अब आप चलें फॉर्मूला आपके पास क्या है -b/2a, तो जो बी की वैल्यू है वो ऑलरेडी आपके पास क्या हो गए माइनस में हो गए -80 2a, तो अब आप ये देखें आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे आप ये देखें, आप ये वाला बटन प्रेस करें -80 ठीक है डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट -2, आप जब प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ रहा है 20 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, कौन सा बटन प्रेस करना है सर, ये देखें ये वाला बटन कैल के जो नीचे है ओके ठीक है -80 ठीक है
आपने टू प्रेस किया ये वाला एंड देन माइनस टू, ठीक है, एंड ये वाला ये जो ब्रैकेट है आप इसको प्रेस कर देंगे तो टू आया. अब बेसिकली आपका बेसिकली आंसर आया एक्स का आंसर आया बॉयज एंड गर्ल्स. वर्टेक्स का वर्टेक्स बेसिकली दो चीजों पर बेस करता है, एक्स कोमा वाई के ऊपर. तो मैंने शुरू में आपको एक ग्राफ दिखाया था जो कर्व कर रहा था. अब ये देखिए जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका ये आ गया. अब क्या करेंगे इस 20 को आप पुट करेंगे वाई के अंदर, यानी वाई में आपके पास जी सर वैसे अगर आप पहले ये बता दें कि अगर वर्टेक्स आएगा आपके पास इक्वेशन में क्या है 20 आया तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे देखें 20 पुट करा आपने यहाँ पर 20 आपका आंसर कितना आ रहा है 200 ये देखिए आंसर आ गया आपका 200 ये आपका वर्टेक्स निकला यानी एक्स की वैल्यू 20 है आपके पास और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 200 है. देखें वर्टेक्स में आपके करना क्या होता है देखें जब भी आपको बोलेगा वर्टेक्स तो वर्टेक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है माइनस बी ओवर 2a. अब आप ये b और a की वैल्यू जो है वो कहां से कंसीडर करेंगे देखें सबसे पहले यहां देखें जो x का कोफिशियंट होता है वो होता है b. x का कोफिशियंट क्या होता है b तो आपने देखें यहां पे b पुट कर दिया. अब ये चूंकि माइनस है तो आपने माइनस ही पुट किया. अब 2a अब a की जो वैल्यू है वो हम कहां से लेकर आएंगे तो देखें एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट होता है यानी यहाँ वन है या टू है थ्री है वो हमारे पास जो है वो ए कहलाता है यानी ए. तो ए हमारे पास क्या है माइनस टू. तो देखिए मैंने ए की जगह पे माइनस टू पुट कर दिया. जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर 20 आया. ये मेरे पास एक्स का आंसर आया. अब मुझे वाई का आंसर मालूम करना है तो मैं वाई का आंसर मालूम करने के लिए क्या करूंगा इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा वाई को, मतलब जो एक्स का है वो इस पे पुट कर दूंगा. जहां जहां एक्स होगा तो मेरे को वाई का आंसर आ जाएगा. तो देखें मैंने यहाँ पुट करके दिखाया है कि देखें एक्स में 20 पुट करूं तो इसलिए मैंने बता भी दिया कि एक्स 20 है. देखें 20 क्योंकि इन दो ही जगहों पर आपके पास क्या था एक्स था. तो देखें आपका आंसर कितना आया 20. अब जो वर्टेक्स का पॉइंट निकला एक्स क्या था 20 आपने रख दिया और ये वाई का आंसर है तो देखें 200. आपको भी ये बात पता है कि एक्स की वैल्यू 20 होती है, मतलब जो पहले नंबर पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में आता है वो एक्स होता है और जो दूसरे नंबर पर आता है वो आपका क्या होता है वाई होता है. अब आप ये देखें मैक्सिमम वीकली प्रॉफिट 200 यानी वाई से जो भी आपका आंसर निकल रहा वाई का वो बेसिकली हमें ये बताता है कि जो वीकली प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 200. लेकिन वो कब आप हासिल कर सकते हैं जब आप 20 सीडीज जो है वो सेल आउट कर सकें. यानी ये जो वाई का आंसर है वो क्या है 20 मतलब 200 ये हमें आइडेंटिफाई ये करता है कि ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है आपके मॉडल ने आपको बताया है. लेकिन ये कब आप अवेलेबल ये कब आप हासिल कर सकते हैं जब आपकी आपकी जो है वो 20 सीडी सेल आउट होनी चाहिए. क्लियर है बात जी सर. ठीक है अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ. देखें ये आपको मैं ऐसा होमवर्क के लिए घर में दे रहा हूँ कि देखें ये आपके पास एक फंक्शन है इसमें क्या बोल रहा है फाइंड दी एक्स इंटरसेप्ट जो कि आपको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट में आप वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे. फिर आपका ये वाई इंटरसेप्ट आप देखें वर्टेक्स है. वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू मालूम करोगे माइनस बी ओवर 2a सही है. जो आपका आंसर निकलेगा उसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे और सेम आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे. ये देख लें आप फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन ठीक है. और इन दी सेम में ये क्वेश्चन भी आपका वही इसी तरीके से आपको मैं दे रहा हूँ. अच्छा मैं थोड़ा सा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखें ये वर्टेक्स अब ये वाला क्वेश्चन है जरा बॉयज एंड गर्ल्स ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें. ये आपके पास फंक्शन है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट. अब एक्स इंटरसेप्ट में आपने क्या पुट करना है वाई जीरो पुट करना है. कैन यू ट्राई बेटा बॉयज एंड गर्ल्स इसका एक्स इंटरसेप्ट मुझे निकाल कर दिखा दें बेटा. इस क्वेश्चन का एक्स इंटरसेप्ट ट्राई करें कैसे निकालेंगे आप लोग. ये कर लिया आप लोगों ने
Boys and girls? There's five. Five or? Five and बाकी लोगों ने कर लिया? Yes sir. अच्छा चलें मैं भी थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ कि नबी अच्छा ये देखिए आप अब आपके सामने अगर कहा जाता है कि find the x-intercept तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है कि मुझे y को zero put करना है ये y की टर्म आपके पास क्या हो जाएगी zero जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखें y zero तो y आपके पास जब zero हो जाएगा तो आपके पास ये कुछ इस तरीके की टर्म आएगी ये quadratic equation है अब हमारे पास चूंकि कैलकुलेटर में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है तो हम क्या करेंगे x x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो क्या होता है वन तो मैंने देखे वन प्रेस किया इज इक्वल टू x का जो कोफिशियंट है वो क्या है माइनस का सिक्स ठीक है और लास्ट में मेरे पास क्या है फाइव तो देखिए मेरे पास x1 का आंसर कितना आ रहा है x1 का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 5 और x2 का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 1 ठीक है ये तो आपने निकाल लिया अब जरा मुझे वर्टेक्स वर्टेक्स निकाल के दिखाते हैं आप लोग बेटा वर्टेक्स वर्टेक्स का फॉर्मूला आपके पास ये रहा x is equal to minus b over 2a तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं इसमें a मेरे पास क्या है वर्टेक्स का एक्स क्या आ रहा है सो वर्टेक्स आ रहा है थ्री थ्री अब आप देखें वर्टेक्स का दूसरा पॉइंट भी मालूम करना होता है तो आप क्या करेंगे इस थ्री को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स एंड प्लस फाइव ओके अब आप देखेंगे आपके पास थ्री है The x coordinate of the vertex is 3 to find the y coordinate. We substitute 3 for the is in the original equation. ये जरा जुमले पर भी गौर कर लीजिएगा boys and girls बेटा. देखें ये आपने vertex का x निकाला है. अब आप vertex का y भी निकालेंगे क्योंकि x और y नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने बेटा जी सर सबने कर लिया किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चलें अब अगला क्वेश्चन भी आपसे ही मैंने सॉल्व करवाना है हाँ अब आप ये देखिए अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखें अगर आप इसके पॉइंट को लिखना चाहें 5.0 और 1.0 जरा अपनी कॉपी में लिखें ये वाला पॉइंट 5.0 और 1.0 क्योंकि आपने जब y की वैल्यू जीरो पुट करी थी तो ये आपके पास आंसर आया अपनी कॉपी में जरा लिख लें बेटा 5.0 ये आपका ए पॉइंट है और लिखें बी 1.0 और वर्टेक्स का पॉइंट आपके पास आया 3 और 4 अब आप ये देखिए जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखें आपके पास x की वैल्यू क्या थी 1 ये आपके पास 1 आई और y की वैल्यू क्या है 0 देखें आप 1.0 लिख दिया आपने देखें x की वैल्यू 1 है और यहाँ y की वैल्यू क्या होती है 0 ये आपने एक पॉइंट बना दिया ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट बेटा देखें आपने x इंटरसेप्ट निकाल लिया जिसके दो आंसर आए ठीक है तो अब आप क्या करेंगे इसको आपने ड्रॉ करना है आपने देखा कि x की वैल्यू क्या है 1 लेकिन y की वैल्यू उसके साथ क्या होती है 0 जब आप x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो साथ में y को 0 साथ में रखना होता है तो अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो आप इस तरीके से कुछ लिखेंगे ये देखें आप मेरी आवाज बाकियों के पास तो सही आ रही है बेटा सर जी हाँ इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे बेटा ठीक है थैंक यू सर हाँ अच्छा देखें ये x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 ठीक है और आपने लिखा देखें लिखेंगे 1.0 ठीक है ये आपका a पॉइंट है
उसके बाद आपका जो बी पॉइंट है वो क्या था, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो आपने ब्रेकेट बनाया 5 और कोमा 0, ठीक है। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ वाई की वैल्यू 0, तो आपने देखें ये एक ही पॉइंट बना दिया, राइट बेटा। ये देखें आपके पॉइंट ये हैं, और बी पॉइंट आपने ड्रॉ करना है, तो देखें इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू आपको नजर आ रही है 5, वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो अब आप क्या करोगे देखें 5, 0, ये आपके पास ए पॉइंट होगा, ये आपके पास बी पॉइंट। बेसिकली हम क्या निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। अभी आप ये दिखाएं, आप देखें आपने अभी एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, एक्स इंटरसेप्ट का मकसद है कि यह एक एक्सिस को कट कर रहा है और वाई की वैल्यू वहां पर क्या होती है 0, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब। और आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, देखें ये जो पैराबोला बन रहा है ये एक्स इंटरसेप्ट को कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को दो जगहों पर कट कर रहा है। एक्स स्क्वायर का मकसद क्या होता है कि दो आपके पास रूट्स आएंगे, दो रूट्स का मकसद ये दो जगह कट कर रहा है, ठीक है। और जो आपने वर्टेक्स निकाला, अब आप देखें वर्टेक्स का जो एक्स था वो क्या था 3 और वाई कितना आया -4, एक्स क्या है 3 और वाई क्या है -4। देखें आप वर्टेक्स जो है वो आपका बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपके पास होता है जहां पे ये टर्निंग पॉइंट होता है, तो जरा देखें आप एक्स क्या है 3 और वाई क्या है -4, इन तीन पॉइंट की मदद से आपने इस तरीके से इसका क्या बना लेना है, पैराबोला बना लेना है। ये बात क्लियर हो गई सर? जी सर, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो आपके पास, कौन है, ज़ैनब यूसुफ। देखिए पैराबोला इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है। आप मुझे ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन। सर ये ब्रेक की बात सॉल्व करते हैं। बेटा ये 5 मिनट अभी पढ़े हैं, तो इसके उसके बाद से भी क्लास ऑफ होगी ना, तो उसके बाद ही जरा इसको कर भी लें। जब तक सर, जब तक ब्रेक नहीं हो रहा ना सर, तक फॉर्मूला सिखा दें, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। इसमें तीन ही तो फॉर्मूले देखें, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो सर दिखा दो बेटा, लिख लिया? नो सर। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ ले 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 ले। चलिए आगे बेटा। सर वेट थोड़ा। सर जी तो थोड़ा सा ब्रेक जाए, बस ये बता, क्लास भी ऑफ होने वाली है, मैं चाह रहा था ये सर जब सेशन ऑफ होगा तो सर, ब्रेक लेने की होगी? 10 मिनट की ब्रेक होगी सर, 30 मिनट के साथ ही ब्रेक लेना सर। अच्छा चले 15 मिनट की कर लें बेटा, ताकि आपकी क्लास भी ऑफ, ब्रेकफास्ट करना है सर। अटेंडेंस आप लेंगे या नहीं? हाँ बाद में लगा लेता हूँ बेटा, सर तो अभी कैसे करेंगे, ब्रेक ले रहे हैं ना अभी बेटा, 2 मिनट के अंदर हमारे पास टाइम है, तो हम चाह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जरा डील कर ले। देखें मैं ही आप लोग को हेल्प कर दे रहा हूँ। देखें ये कंपनी सेलिंग अ कॉपी ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोग्राम फॉर होम कंप्यूटर फाइन, इट विल मेक वीकली प्रॉफिट। देखें ये पी लिखा है, ये बेसिकली यहाँ प्रॉफिट को शो कर रहा है, और देखें आपके पास पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ प्रोग्राम शुड इट सेल टू मेक द लार्जेस्ट प्रॉफिट, यानी अब वो बेसिकली क्या बोल रहा है, पी फॉर प्रॉफिट है, यानी एक्स उसकी क्या है, नंबर ऑफ सेल कॉपीज है।
अब नंबर ऑफ कॉपीज सेल होंगी तो वो कुछ प्रॉफिट जो है वो कर सकता है। अब आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्टेक्स आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स आपके पास क्या होता है कि वर्टेक्स ये देखें आपके पास ये चीज होती है, अगरचे ये यहाँ मिनिमम प्रॉफिट है और अगर यही कर्व आपका यूं चला जाए तो देखें यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट शो कर रहा है। देख रहे हैं आप, अगर ये कर्व आपका यूं आ रहा है तो ये मिनिमम प्रॉफिट होगा, और यही कर्व आपका यूं आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसमें ए आपका पॉजिटिव है और ए जो है इसमें आपका ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो वर्टेक्स हम निकालते हैं वो ये वाला पॉइंट होता है, यानी यहाँ पर जब कोई चीज आप यहाँ अगर आप आते हैं तो देखें यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आपकी एक्स की या वाई की दोनों ही एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो समटाइम ये जीरो भी होता है ओरिजिन के तहत। तो अब हमने करना है क्या है कि उन्होंने हमसे ये कहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आप क्या करें कि हमें इसका वीकली प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करके बताएं। ये देखें आपके लिखा हुआ है कि हाउ मेनी कॉपीज, यानी आपने कितनी कॉपीज सेल करनी है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अब इसमें देखें इसने कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं बोला हुआ, कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्टेक्स निकालेंगे, क्योंकि जब इसने कहा ना मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट की मैंने अभी डायग्राम आप लोगों को दिखाई, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मालूम करना होगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। अब देखें बी आपके पास क्या होता है, देखें ये आपके पास ए है, ए 2.1, बी आपके पास 27 प्लस की फॉर्म में है, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2a, ये आपका जब आपने इसको सॉल्व किया तो 135। अब ये आपको क्या, हाँ दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आपको बता रहा है। अब आप देखें ये 35 कहाँ पुट करेंगे, आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, क्या है 0.1 एक्स स्क्वायर 27 ये। अब आप देखें ये आपके पास जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, यह बोला द मैक्सिमम वीकली प्रॉफिट 1322 आपका बनेगा, लेकिन आपको 130 जो कॉपी है वो सेल करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें कोई आपको वर्टेक्स निकालने को नहीं बोला जा रहा, सिर्फ क्या बोला है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द प्रोग्राम शुड टेक मैक्सिमम लार्जेस्ट।